नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपनी क्लास है कोशिका, कोशिका के प्रमुख भाग, और ये अपना कोशिका का आज अंतिम क्लास है। तो बने रहिए क्लास में। आज जो कोशिका के प्रमुख भाग बचे हुए थे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला है अपना तारकाय, जिसको सेंट्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तारकाय 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 भी एक कोशिका का ही मुख्य भाग है। सेंट्रोसोम तारकाय या सेंट्रोसोम। बात करें तारकाय की, तो एक वांग बेंडेन नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम तारकाय को देखा था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से तारकाय को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वांग बेंडेन वैज्ञानिक। वैज्ञानिक वॉन बेंडन ने सर्वप्रथम देखा। वैज्ञानिक वॉन बेंडन ने सर्वप्रथम देखा। अगर बात करें खोज का श्रेय, तो खोज का श्रेय जाता है वैज्ञानिक टी बावेरी को। खोज का श्रेय तो ये था बोवेरी नामक वैज्ञानिक। बोवेरी को देखा किसने, वॉन बेंडेन ने, और खोज किसने की, इसकी बोवेरी ने। और बोवेरी ने बताया क्या, इसकी संरचना और इसके कार्यों के बारे में किसने बताया, बोवेरी ने बताया। तो आगे बात करें, इन्होंने इसकी संरचना एवं कार्यों के बारे में बताया। बोवेरी ने तारकाय की संरचना एवं कार्यों के बारे में बताया। अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तारकाय कुछ इस प्रकार की संरचना रखते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना रखते हैं तारकाय। ये हो गया तारकाय, ठीक है। आगे बात करें, तारकाय जो है वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में तारकाय पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं, तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। आगे बात करें, तारकाय जब कोशिका का विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन में जब तंतु जो होते हैं, तर्कु तंतु जो होते हैं, उनके निर्माण में तारकाय एक विशेष भूमिका निभाता है। तो तारकाय कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण में सहायता करता है। ये बात हो गई किसकी, तारकाय की। तारकाय सर्वप्रथम वॉन बेंडन नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा, खोज का श्रेय किसको जाता है, बोवेरी को, और बोवेरी ने इसकी संरचना एवं कार्य के बारे में बताया। तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। क्लियर यहां तक। आगे बात करते हैं रिकित का। रिकित का भी एक कोशिका का ही पार्ट है। आगे देखते हैं रिकित का ही
रिक्तिकाएं भी कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं, या और ये जो रिक्तिकाएं हैं वो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं। तो बात कर लेते हैं रिक्तिका रिक्तिकाएं कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। रिक्तिकाएं कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली क्या हैं, संरचनाएं हैं, और ये रिक्त स्थान के रूप में कोशिका द्रव्य से अलग रहती है, यानी कि जो रिक्तिकाएं हैं वो एक रिक्त स्थान के रूप में कोशिका द्रव्य से क्या रहती हैं, अलग रहती हैं, रिक्त स्थान के रूप में कोशिका द्रव्य से अलग रहती है। ये जो रिक्तिकाएं हैं वो कोशिका द्रव्य में एक खाली स्थान, एक रिक्त स्थान के रूप में क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। अगर बात करें संरचना की, तो जो रिक्तिकाओं की संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। जैसे ये कोई कोशिका है, ये हो गया इसमें केंद्रक, और इस केंद्रक के चारों तरफ ये ऐसी कुछ खाली स्थान आकृति दिखाई पड़ती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। जैसे ये कोई पादप कोशिका थी, ठीक है, और ये जो रिक्त स्थान दिख रहे हैं ये क्या है, रिक्तिकाएं हैं। आगे बात करें, ये जो रिक्तिकाएं हैं इनके चारों ओर टोनोप्लास्ट पाई जाती है, रिक्तिकाओं के चारों ओर टोनोप्लास्ट पाई जाती है, इनके चारों ओर टोनोप्लास्ट पाई जाती है। आगे बात करें, जो रिक्तिकाएं होती हैं इनमें भोजन या तरल पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि रिक्तिकाओं के अंतर्गत भोजन या तरल पदार्थ पाए जाते हैं, इनमें भोजन या तरल पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? अब आगे बात करें जंतु कोशिका की रिक्तता की, तो देखते हैं कुछ इसी टाइप की होती है, और इसके अंदर ये हो गया अपनी क्या, जंतु कोशिका की रिक्तता। इसमें क्या होता है, सॉरी पादप कोशिका, ये थी आपकी जंतु कोशिका। इसमें क्या होता है, पादप कोशिका में एक बड़े आकार की क्या रिक्तता पाई जाती है, पादप कोशिका में बड़े आकार की रिक्तता पाई जाती है। इसमें पादप कोशिकाओं में एक बड़े आकार की रिक्तता पाई जाती है, जिसके कारण ये जो केंद्र है, ये अपना क्या है, केंद्रक है। बड़े आकार की रिक्तता पाई जाने के कारण केंद्रक भी केंद्रक से थोड़ा केंद्रक परिधि जो है उसकी तरफ क्या होता है, चला जाता है। जैसे अब ये केंद्रक है, ये अपने सेंटर पॉइंट को छोड़कर केंद्रक जो परिधि है उसकी तरफ आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत एक बड़े आकार की रिक्तता पाई जाती है। तो क्लियर यहां तक? आगे एक नोट लगा लेते हैं, नोट में क्या, ये जो जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती है वो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत
बिखरी हुई रहती है। बस इतना सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। जंतु कोशिकाओं में रिकिता केंद्रक द्रव्य में बिखरी रहती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में जो रिकिता होती है वो केंद्रक द्रव्य में बिखरी हुई रहती है। कुछ इस प्रकार से ये केंद्रक हो गया और ये केंद्रक द्रव्य, और इनके अंतर्गत क्या होता है, रिकिताएं बिखरी हुई रहती है। क्लियर आगे? अब बात करते हैं केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक या न्यूक्लियस। अगला पॉइंट है केंद्रक या न्यूक्लियस। बात करें केंद्र को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो केंद्र को सर्वप्रथम वैज्ञानिक था ल्यूवेनहॉक, और ल्यूवेनहॉक ने ही सर्वप्रथम क्या किया, केंद्र को देखा था। सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने केंद्र को क्या किया, देखा। सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने केंद्र को देखा। बात करें केंद्र की खोजकर्ता की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने एक आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में सर्वप्रथम केंद्र की क्या की, खोज की, और इसकी संरचना के बारे में बताया। तो आगे बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने कौन से पौधे की, आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं, आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की तथा इसकी संरचना के बारे में बताया। के बारे में बताया। वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन आता है आर्किड पौधे की जो जड़ है उनकी कोशिकाओं में केंद्र की खोज करता है और केंद्र की संरचना के बारे में बताता है। केंद्र जो है वो कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। अगर बात करें तो सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक है पाया जाता है। लेकिन कुछ शैवाल, कवक, अस्थि मज्जा एवं जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुकेंद्रक की अवस्था पाई जाती है। किन किन में? कुछ शैवाल, कवक, अस्थि मज्जा व एक पेशीय कोशिका, इसको भी ध्यान रख लेते हैं। शैवाल
उच्च शैवाल कवक अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा व पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में बहु केंद्र किए, बहु बहु केंद्रीय संरचना पाई जाती है, बहु केंद्रीय संरचना पाई जाती है। केंद्र कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है और सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र पाया जाता है, लेकिन कुछ शैवाल अस्थि मज्जा कवक पेशी कोशिका इनमें क्या होता है, बहु कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती हैं। क्लियर यहां तक? पेशी कोशिकाओं में भी क्या होता है, बहु केंद्र की संरचना पाई जाती है। क्लियर? अब बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्तनधारियों की कोशिका में या स्तनधारियों की जो आरबीसी में केंद्र के अनुपस्थित होता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट पॉइंट है कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उनमें केंद्र अनुपस्थित होता है। तो आगे देखते हैं, स्तनधारियों, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें भी एक अपवाद है, अपवाद याद रखना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अपवाद क्या है, ऊंट व लांबा जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखना, ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी वैसे तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्र अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद है ऊंट व लामा की आरबीसी में क्या होता है, केंद्र के पाया जाता है। अब बात करें केंद्र की आकृति की, तो सामान्यतः लगभग सभी कोशिकाओं में जिनमें केंद्र पाया जाता है उनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। सामान्यतः केंद्रक की आकृति गोलाकार होती है। सामान्यतः केंद्र की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, लेकिन जो WBC होती है, WBC में केंद्रक पॉली युक्त पाया जाता है। कैसे, जैसे ये हो गई अपनी कोशिका और इस कोशिका में केंद्रक कुछ से इस टाइप से पाया जाता है। तो याद रखना WBC व्हाइट ब्लड सेल की कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल की कोशिकाओं में केंद्रक पॉली युक्त पाया जाता है। यानी वैसे तो केंद्र की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है, लेकिन WBC की जो सेल होती है, कोशिका होती है, उनमें केंद्र क्या होता है, गोलाकार नहीं होके पॉली युक्त पाया जाता है। आगे बात करें, केंद्र के चारों ओर धोरी झिल्ली से बना क्या होता है, केंद्र के आवरण होता है। बात करते हैं
के चारों ओर धोरी झिल्ली युक्त, धोरी झिल्ली युक्त केंद्र के आवरण पाया जाता है। केंद्र का आवरण है पाया जाता है। इस केंद्र का आवरण में क्या होते हैं? बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, और जिनसे होकर पदार्थों क्या होता है, आवागमन होता है। यानी कि केंद्र के चारों ओर जो धोरी झिल्ली होते, केंद्र का आवरण पाया जाता है, उसी केंद्र का आवरण में बारीक बारीक छिद्र होते हैं और जिनसे क्या होता है, पदार्थों का आवागमन होता है। केंद्र का आवरण में छिद्र होते हैं जिनसे जिनसे पदार्थों का आवागमन होता है। यानी केंद्र के चारों ओर जो धोरी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक आवरण कहते हैं। और इससे केंद्रक आवरण में छिद्र पाए जाते हैं जिनसे होके पदार्थों का आवागमन होता है। अब बात करें आगे, केंद्र के ऊपर या केंद्र के अंदर गाढ़ा तरल द्रव पाया जाता है। यानी जो केंद्रक होता है इसके अंदर गाढ़ा तरल द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। यहां तक क्लियर? इस दिनधारियों की आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। अपवाद ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और बात करें आकृति की, तो सामान्यतः केंद्र की आकृति गोलाकार होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में केंद्र पे पॉडी युक्त पाया जाता है। केंद्र के चारों ओर धोरी झिल्ली युक्त केंद्र का आवरण पाया जाता है और इस केंद्र का आवरण में छिद्र होते हैं जिनसे पदार्थों का आवागमन होता है। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं केंद्र के अंदर गाढ़ा तरल द्रव पाया जाता है केंद्र के अंदर गाढ़ा तरल द्रव पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? केंद्र के द्रव्य कहा जाता है, जिसे केंद्रक द्रव्य या केरियो प्लाज्म कहा जाता है। केंद्र के अंदर गाढ़ा तरल द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? केंद्र द्रव्य या केरियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, केंद्र द्रव्य में डीएनए व प्रोटीन से बने क्रोमेटीन के क्या होते हैं? तंतु जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो केंद्र के द्रव्य में डीएनए, याद रखने योग्य पॉइंट है, केंद्र के द्रव्य में केंद्र द्रव्य में डीएनए व प्रोटीन के डीएनए व प्रोटीन के राइबोसोम
यानी केंद्र के अंदर डीएनए व प्रोटीन के बने, ये जो डीएनए व प्रोटीन से बने क्या होते हैं, क्रोमेटिन, राइबोसोम नहीं, डीएनए व प्रोटीन के बने क्रोमेटिन, क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं, पाए जाते हैं केंद्र द्रव्य में डीएनए व प्रोटीन के बने क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं, और ये क्रोमेटिन कोशिका विभाजन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ये क्रोमेटिन क्रोमेटिन तंतु कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। ये बात हो गई अपनी केंद्र की। केंद्र के अंदर गाढ़ा तरल द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्र द्रव्य या कैरियोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्र द्रव्य में डीएनए व प्रोटीन के बने क्या होते हैं, क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं, और ये क्रोमेटिन तंतु कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं केंद्र के कार्य, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं केंद्र के कार्य, केंद्र के कार्य यानी केंद्र के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला, केंद्र पूरी कोशिका सेल का क्या करता है, नियंत्रण करता है। केंद्र के केंद्रक पूरी कोशिका, कोशिका या सेल का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। सबसे मुख्य कार्य है केंद्रक का कि सबसे पहले वो क्या करे, कोशिका का नियंत्रण। दूसरी बात, जो कोशिकाओं में विभाजन होता है वो भी केंद्रक के द्वारा ही होता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन भी केंद्रक द्वारा ही होता है, कोशिकाओं में विभाजन केंद्र द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं केंद्रक में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है जो कि वंशानुगति से संबंधित होता है। केंद्रक में केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है जो कि वंशागति से संबंधित है, से संबंधित है, यानी केंद्र में डीएनए पाया जाता है जो वंशागति से संबंधित है। आगे बात करें केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रतिकरण से संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं। केंद्रक में केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण यानी केंद्रक में एक प्रोटीन संश्लेषण और एक डीएनए का प्रतिकृतिकरण से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो भी क्या होते हैं, केंद्रक में ही पाए जाते हैं। केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण एंजाइम एंजाइम पाए जाते हैं,
केंद्रक में एक तो प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, दूसरा है डीएनए प्रतिकृतिकरण, एंजाइम पाए जाते हैं, ये हो गया अपने केंद्रक के प्रमुख कार्य। और यहीं से अपना आज कोशिका के प्रमुख अंग या प्रमुख भाग का चैप्टर समाप्त होता है। कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे कोशिका का विभाजन। तो आप भी अपने घर पे एक बार कोशिका विभाजन के चैप्टर को जरूर देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू दोस्तों, बाकी बातें कल की क्लास में करते हैं, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, कोशिका विभाजन। जय हिंद दोस्तों।